तो सो फ्री तिब्बत प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों में से एक है। तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव पिछले कुछ दशकों से समय समय पर एक फ्री तिब्बत की डिमांड करते आए हैं। इंडिया में शरण लिए सेकेंड जनरेशन तिब्बतन रेफ्यूजीज आज भी इस चीज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो अपने लाइफ टाइम में फ्री तिब्बत के अपने सपने को साकार होते देख पाएंगे। लेकिन चाइना की यूनिलेटरल कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के चलते इस डिमांड को हमेशा क्रश किया जाता रहा है। तिब्बत वो प्लेटू है जो इंडिया और चाइना को ज्योग्राफिकली साथ लेकर आता है। जैसा कि हम जानते हैं 1950 से पहले इंडिया और चाइना के बीच कोई लैंड बॉर्डर नहीं था, लेकिन तिब्बत के एक्सपेंशन के बाद इंडिया तिब्बत बॉर्डर इंडिया चाइना बॉर्डर में तब्दील हो गया। लेकिन तिब्बत ही वो प्लेटू है जो इंडिया और चाइना को कोसों दूर लेकर जाता था, यानी तिब्बत ही इन दोनों देशों के बीच का सबसे बड़ा कंटेंडिंग इशू भी है। चाइना जिस चीज को लेकर यहाँ सबसे ज्यादा फ्यूरियस रहता है वो है इंडिया का तिब्बतन लीडर दलाई लामा को अपने यहाँ पनाह देना। 1959 से लेकर आज तक वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एग्जाइल में तिब्बतन गवर्नमेंट को रन करते हैं। चाइना उनको एक सेपरेटिस्ट और वुल्फ इन मंक्स क्लोथ कहकर पुकारता है। दलाई लामा को अपने यहाँ जगह देकर या उनको उनके बर्थडे पर विश करके इंडिया इस तिब्बत कार्ड को एक डिफेंसिव पोस्चर की तरह प्रोजेक्ट करता आया है। लेकिन इस मुद्दे से जुड़े हुए कई एक्सपर्ट आज इंडिया को यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तिब्बत एशिया का स्ट्रेटजिक पावर हाउस है, एक नेचुरल रिसोर्स सेंट्रिक व्यू से भी और अपनी ज्योग्राफी की जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के बदौलत भी। इसीलिए इसकी स्ट्रेटजिक स्टेटस वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक अहम रोल निभाता है। इंडिया के सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो तिब्बतन लैंड्स एक्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस के आगे एक बफर का काम करते हैं। ये इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी बैरियर, एक इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बैरियर और साउथ एशिया की बायोडाइवर्सिटी और वाटर रिसोर्स के एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर का काम करता है। इसीलिए इस अप्रोच के प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि वो समय अब आ चुका है जब इंडिया को इस कार्ड को प्रोएक्टिवली यूज करने की जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को तिब्बतन के एक फ्री नेशन के राइट को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जबकि कई दूसरे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक फ्री तिब्बत ही इंडिया चाइना के मेजर डिस्प्यूट्स का रामबाण इलाज है। पर क्या सच में ऐसा मुमकिन है और भारत को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने होंगे जिससे ये हिस्टोरिक ट्रांजिशन मुमकिन हो पाया? क्या इंडिया और चाइना के बीच एक फ्री तिब्बत एग्जिस्ट कर सकता है? क्या चाइना इस सोच को कभी भी हकीकत में तब्दील होने देगा? और यदि ऐसा हो पाता है तो क्या इससे इंडिया और चाइना के रिलेशंस में सुधार हो पाएगा?